जय भारत। आप लोगों को AKJKGS में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मोबाइल संचार 1G से 4G और 5G तक का सफ़र। 1G को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था। यह एक एनालॉग रेडियो सिग्नल पर कार्य करता था और केवल वॉइस कॉल का समर्थन करता था। 2G को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 KBPS की बैंडविड्थ के साथ वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता है। 3G को 2000 के दशक में 1 MBPS को 2 MBPS की गति के साथ लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित करने की क्षमता है। 4G को वर्ष 2009-10 में 100 MBPS से 1 GBPS की पीक स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और यह 3D वर्चुअल रियलिटी को भी महसूस रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क है। यह 2020 में यह 1G, 2G, 3G और 4G के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G की स्पीड 4G की तुलना में अधिक है। यह 20 GBPS पीक डेटा दर और 100+ MBPS और औसत डेटा दर पहुंचाता है। 5G एक ऐसे नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनें, वस्तुएं और उपकरणों सहित सभी को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि 1G का अर्थ होता है 1 generation, 2G का अर्थ होता है 2 generation, 3G का अर्थ होता है 3 generation, 4G का अर्थ होता है 4 generation यानी कि चौथी पीढ़ी और 5G का अर्थ होता है 5 generation यानी पाँचवीं पीढ़ी। यानी कि हम लोग अब जो 2023 में 5G पाँचवा जनरेशन यानी कि पाँचवा पीढ़ी को हम लोग उपयोग करने वाले हैं और यह सबसे पहले 10 बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय भारत।